लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। सुरेश प्रभु ने की विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत। ओडिशा में कांग्रेस का घोषणा पत्र, 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने का वादा। पाकिस्तान को डर, 16 से 20 अप्रैल के बीच फिर हमला कर सकता है भारत। अब खबरें विस्तार से। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि विमान ईंधन को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू विमानन उद्योग को कारोबार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। प्रभु ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के लिए इनपुट लागत होना चाहिए। उन्होंने ADF को GST के दायरे में लाने की वकालत करते हुए कहा कि राज्य में कर की अलग दरों के कारण ADF का दाम अधिक हो जाता है। भाषा से साक्षात्कार में कहा, हर राज्य में अलग कर है, इसके कारण विमानन कंपनियों के लिए ईंधन का खर्च पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे लगता है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि GST परिषद इस पर गौर करेगी और हम इसे लगातार परिषद के सामने रखेंगे। ओडिशा में कांग्रेस ने रविवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर प्रति परिवार को 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने, बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने सहित महिलाओं को सरकारी नौकरी, सांसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का वादा किया है। योर वॉइस योर चॉइस शीर्षक वाले 32 पुस्तों की घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपए देने का वादा भी किया है। साथ ही घोषणा पत्र में यह भी कहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध पर काम कर रहे सभी कामगारों को नियमित किया जाएगा, जबकि शिक्षण व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा सेवा में अनुबंध पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। एयर स्ट्राइक के खौफ से पाकिस्तान अब भी उभर नहीं पाया है। उसने बेहद विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है कि भारत इस महीने एक और हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने रविवार को यह बात कही। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर जवानी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों परमाणु देशों के बीच टेंशन है। कुरैशी ने दावा किया है कि भारत की तरफ यह हमला 16 या 20 अप्रैल के बीच हो सकता है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।